तो दोस्तों आज के सुप्रीम में बताऊं दोस्तों कि एमएस प्लेयर से मोबाइल के किसी भी ऐप को किसी दूसरे के मोबाइल में कैसे भेजे, आज के सुप्रीम में इस बारे में बताने वाला। तो दोस्तों इसके लिए पूरा वीडियो लास्ट देखे। चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना रहे तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मोबाइल में एमएस प्लेयर ओपन कर लेना है। एमएस प्लेयर ओपन करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस थ्री लाइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फिर से कुछ इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे थर्ड नंबर में एमएक्स शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस एमएक्स शेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंड और रिसीव का ऑप्शन दिया हुआ। तो दोस्तों आप मतलब अपना मोबाइल से वीडियो या कुछ भी ऐप्स यानी मोबाइल के किसी भी ऐप्स को भेज रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको इस प्रकार से सेंड कर देना है। इस प्रकार से सेंड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि आपका जितना सारा मतलब मोबाइल में ऐप्स है वो यहाँ पे आ गया। और दोस्तों अगर आप मोबाइल में कोई भी मतलब ऐप्स को भेजना चाहते हो तो यहाँ पे ऐप्स जितना सारा आपको मोबाइल में वहाँ पे आ गया। और दोस्तों वीडियो को भेजना चाहते हो तो यहाँ से वीडियो को भेज सकते हैं। तो यहाँ से चलिए जो मैं यहाँ से कोई एक ऐप ले लेता हूँ, जिससे दोस्तों चलिए इंस्टाग्राम को ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में शेयर नो का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस शेयर नो के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि लोकेशन सर्विस से आप अलाउ कर लेना है आपको यहाँ से। इसको अलाउ करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको ब्लूटूथ अनेबल ब्लूटूथ है तो इसको भी उसके बाद दोस्तों नीचे में भी अनेबल वायलिन है तो इसको आपको इससे भी अलाउ कर लेना है यानी कि वाईफाई। तो देख सकते हैं जो सभी हो चुका है। सभी होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि आपका मतलब स्कैन कर लेना है जो उसका मोबाइल से मतलब जिस मोबाइल में भेज रहे हैं तो उसमें रिसीव करके सेम प्रोसेस करके। तो दोस्तों मतलब मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी केवल मतलब एक ही यही मोबाइल है, तो दूसरा मोबाइल नहीं है इस मतलब जिसके कारण मैं पूरा मतलब प्रोसेस नहीं बता सकता। दोस्तों सेम प्रोसेस है मतलब जिस प्रकार से आप पहले मोबाइल में भेजते होंगे जेंडर या किसी भी ऐप से, तो उसी प्रकार से सेम प्रोसेस है। तो यहाँ स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट वो मतलब दूसरा मोबाइल में रिसीव मतलब करने के बाद स्कैन उसमें भी मतलब अनेबल ये अलाउ करना पड़ेगा। करने के बाद आपका जो सेम प्रोसेस उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसानी तरीक़ा से इस प्रकार से जो है उसे आप भेज सकते हो मतलब एमएक्स प्लस से किसी भी ऐप्स को। मैं पूरा बता देता लेकिन मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और इस चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटे को इंप्रेस कर दे। चलिए दोस्तों तो ये वीडियो यहाँ तक है, बाकी थैंक यू दोस्तों।